Assalamu alaikum students, I hope so you are fine. Today we will start unit number 2, input and output devices. First topic is input devices. Here is a question, write in your notebook and learn. Question is, what is an input device? Give examples. Input device kya hai aur iski example batayein. Answer: the device through which we enter input into a computer is called an input device. के ऐसी device जिससे हम computer में data enter करते हैं या input enter करते हैं उसको हम input device बोलते हैं. ठीक है, ऐसी devices जिनके through हम computer में information जो सी है वो enter करते हैं, कोई डाटा एंटर करते हैं, कोई इनपुट एंटर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं उन डिवाइसेस को? इनपुट डिवाइसेस. फॉर एग्जांपल कीबोर्ड. कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस. माउस, माइक्रोफोन. ठीक है, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन इसके एग्जांपल्स हैं. ऐसी डिवाइसेस जिनके थ्रू हम कंप्यूटर में डाटा एंटर करते हैं उनको हम इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं. और उनके एग्जांपल्स में हम देखते हैं कि कीबोर्ड है, माउस और माइक्रोफोन है. सो हियर इज द इमेज ऑफ डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस: टच स्क्रीन, कैमरा, स्कैनर, माइक्रोफोन, ट्रैकपॉल, जॉयस्टिक, वेबकैम, कीबोर्ड, माउस. ये सब क्या है? इनपुट डिवाइसेस हैं. ठीक है, इनके जरिए हम इनपुट एंटर करते हैं. सेकंड टॉपिक इज आउटपुट डिवाइसेस. हियर इज क्वेश्चन, राइट इन योर नोटबुक एंड लर्न. व्हाट इज एन इनपुट डिवाइस? नेम एनी टू आउटपुट डिवाइस. नेम एनी टू आउटपुट डिवाइसेस. ये आउटपुट डिवाइसेस क्या है और दो आउटपुट डिवाइसेस के नाम बताएं. पिछले हमने अभी पढ़ा है टॉपिक में कि इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा है कि इनपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू हम डाटा एंटर करते हैं. और नाउ लेट्स सी आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं जी. द डिवाइस थ्रू विच वी सी द आउटपुट फ्रॉम आ कंप्यूटर इज कॉल्ड एन आउटपुट डिवाइस. के ऐसी डिवाइस जिसके थ्रू हम कंप्यूटर पे आउटपुट देख सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं. ठीक है, ऐसी डिवाइसेस जिनके थ्रू आप आउटपुट देख सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं. जैसा कि आप कीबोर्ड है वो आपकी इनपुट डिवाइसेस है. आप कीबोर्ड से इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं और आपको शो कहाँ, किस पे होती है? स्क्रीन पे. ठीक है, जो इंफॉर्मेशन आपने एंटर की होती है उसका रिजल्ट, उसका आउटपुट कहाँ शो होता है? स्क्रीन पे शो होता है, मोनिटर पे शो होता है. तो मोनिटर क्या हुआ आपका? वो एक आउटपुट डिवाइस हुई. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल मोनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एक्सेट्रा. के मोनिटर, प्रिंटर और स्पीकर जो हैं वो क्या हैं? आउटपुट डिवाइसेस हैं. ऐसी डिवाइसेस जो हमें आउटपुट देती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइसेस. एंड यू कैन सी द डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस: मोनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर. दीज आर द आउटपुट डिवाइसेस. नेक्स्ट टॉपिक इज हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी. हियर इज क्वेश्चन, राइट इन योर नोटबुक एंड लर्न. क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन द हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी. हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में क्या डिफरेंस है वो बताएं. हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी. हार्ड कॉपी इज द आउटपुट प्रोड्यूस्ड ऑन अ पेपर बाय अ प्रिंटर. के हार्ड कॉपी हम उस आउटपुट को कहते हैं जो हम प्रिंटर के थ्रू लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि आपने आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वर्ड का हो, पीडीएफ है, जो भी है, आपने क्या किया कि जब तक आपको वो मॉनिटर पे शो हो रहा है वो आपकी क्या होगी? सॉफ्ट कॉपी होगी. लेकिन जैसे ही आप उसका
प्रिंट लेंगे प्रिंटर के थ्रू, ठीक है, तो जो आपको हार्ड फॉर्म में कॉपी मिलेगी उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी बोलते हैं, ठीक है। ऐसी आउटपुट जो पेज पे हम प्रोड्यूस करते हैं प्रिंटर के थ्रू उसको हम बोलते हैं हार्ड कॉपी, जैसे आपकी बुक्स हैं, ठीक है, तो ये हार्ड फॉर्म में है तो ये क्या होगी, हार्ड कॉपी होगी। और सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, सॉफ्ट कॉपी इज द आउटपुट ऑन द मॉनिटर, कि जो हमें मॉनिटर पे शो हो रही होती है इंफॉर्मेशन वो क्या होती है, सॉफ्ट कॉपी होती है। जैसे आपके पास बुक्स वगैरह हैं, ठीक है, एक बुक्स आपकी है हार्ड फॉर्म में और दूसरी बुक्स में भी आपके लैपटॉप में आपके कंप्यूटर में हो, और वो क्या होगी, सॉफ्ट फॉर्म में होगी, ठीक है। आप कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि बाज़ुकात बुक्स वगैरह नहीं परचेज कर सकते, तो हम उनको डाउनलोड कर लेते हैं, तो वो कॉपी जो कि क्या होगी, हमारी मॉनिटर पे जो होती है उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी, और जो हार्ड फॉर्म में होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपके डिफरेंट पेपर्स वगैरह होते हैं आपके, तो वो भी आपको प्रिंटर के थ्रू पेजेस पे मिलते हैं ना आपको, तो वो हमारी क्या होगी, हार्ड कॉपी होगी, ठीक है। देखिए पिक में जो के कंप्यूटर में मॉनिटर पे होगी वो क्या होगी, सॉफ्ट कॉपी, और जो पेपर की फॉर्म में होगी आपके पास वो क्या होगी, हार्ड कॉपी होगी। ओके, जो पेपर की फॉर्म में होगी वो हार्ड कॉपी होगी। ओके, डिफरेंशिएट क्या है इसमें, कि जो आपके पास आउटपुट है जो पेपर पे हम प्रोड्यूस की जाती है प्रिंटर के जरिए उसको हम बोलते हैं हार्ड कॉपी, और जो हमें मॉनिटर पे शो होती है वो क्या होती है, सॉफ्ट कॉपी। नेक्स्ट टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ आ कंप्यूटर, फिर इज हेयर आर टू क्वेश्चंस, राइट इन योर नोटबुक एंड लर्न। फर्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट फोर डिफरेंट पीसीज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर फाउंड इन योर स्कूल्स कंप्यूटर लैब, आर असेंशियल कंपोनेंट्स, जस्टिफाई योर आंसर। उन्होंने कहा है कि आप कंप्यूटर लैब में, अपने स्कूल कंप्यूटर लैब में आप देखें और बताएं हमें चार जो हार्डवेयर है ना, कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं उनके नेम बताएं, और ये भी बताएं कि क्या वो ज़रूरी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, क्या वो ज़रूरी है कंप्यूटर के लिए, उनके बगैर कंप्यूटर वर्क करता है या नहीं करता। लेट्स सी द आंसर। द फोर पीसीज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर आर, फर्स्ट है आपके पास कीबोर्ड, सेकंड माउस। हार्डवेयर कौन से होते हैं आपको पता है, कि ऐसे कंप्यूटर के पार्ट्स जिनको आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। द फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर, सो यू कैन टच बोथ कीबोर्ड एंड माउस, थर्ड सीपीयू, फोर्थ मॉनिटर। सो दीज आर द फोर कंप्यूटर हार्डवेयर। ऑल दीज पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर एसेंशियल फॉर रनिंग ऑफ अ कंप्यूटर, कि एक कंप्यूटर के वर्किंग के लिए ये सारे पार्ट्स जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। अगर इनमें से कोई भी आपका जो पार्ट है वो मिसिंग होगा तो कंप्यूटर जो है वो वर्क नहीं कर सकेगा, ठीक तरीके से रन नहीं कर सकता। सो दीज आर द फोर कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स, एंड ऑल पार्ट्स आर वेरी एसेंशियल फॉर अ रनिंग ऑफ अ कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आर्किटेक्ट इज डिजाइनिंग द फ्लोर प्लान ऑफ अ हाउस, कि एक आर्किटेक्ट है वो डिजाइन कर रहा है कि एक घर का नक्शा वगैरह या फ्लोर प्लान, नीचे जो आपका घर का वो सारा है डिजाइन वगैरह वो प्लान कर रहा है। विच डू यू थिंक इज द बेस्ट इनपुट डिवाइस टू यूज फॉर दिस टास्क, आप बताएं कि इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो बेस्ट इनपुट डिवाइसेस है वो कौन सी है, ठीक है, कि उसने डिजाइन करना है कंप्यूटर पे हाउस का जो भी आपका नक्शा वगैरह है, और बताएं कि वो किसके थ्रू जो है वो डिजाइन करेगा, कौन सी इनपुट डिवाइस जो है वो बेस्ट है उसके लिए। द बेस्ट इनपुट डिवाइस टू डिजाइन द फ्लोर प्लान ऑफ आ हाउस इज लाइट, आप इज अ लाइट पेन, के
डिजाइन करने के लिए फ्लोर पैन को जो बेस्ट इनपुट डिवाइस है वो है लाइट पैन, कि वो लाइट पैन के थ्रू कंप्यूटर की स्क्रीन पे डिजाइन कर सकता है। यू कैन सी इन द पिक्चर। दिस इज लाइट पेन। विद द हेल्प ऑफ लाइट पेन एन आर्किटेक्ट कैन डिजाइन ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। ओके, जैसे हम ड्राइंग करते हैं पेपर पे, बोर्ड पे, तो हम पेंसिल और ये बोर्ड मार्क वगैरह यूज करते हैं ना, तो इसी तरह एक लाइट पेन जो है वो इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू आप कंप्यूटर स्क्रीन पे डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज कैमराज। हियर इज अ क्वेश्चन, राइट इन योर नोटबुक एंड लर्न। क्वेश्चन इज कैमराज आर ऑफन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, स्पेशली अ लैपटॉप और हैंड हेल्ड डिवाइस। के जो कैमराज होते हैं वो कंप्यूटर का इंटीग्रल पार्ट होते हैं, स्पेशली जो लैपटॉप और हैंड हेल्ड डिवाइस तो उनमें कैमराज तो मस्ट होते हैं। व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ कैमरा विद इन अ कंप्यूटर। कि कंप्यूटर में जो कैमरा होता है, बिल्डिंग कैमरा होता है या वैसे आप लगाते हैं कैमरा, उन उसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस बताएं। गिव एग्जाम्पल्स टू इलस्ट्रेट योर रिस्पॉन्स, और एग्जाम्पल्स दें इसकी। ठीक है, एडवांटेजेस। कैमराज आर यूज फॉर वीडियो कॉलिंग, ऑनलाइन क्लासेस। के जो कैमराज होते हैं वो वीडियो कॉलिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं और ऑनलाइन क्लासेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि आपके लैपटॉप में, आपके सेलफोन में कैमराज होते हैं ना, आप उसके थ्रू वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, और इसके अलावा और आप इमेजेस वगैरह, पिक्स वगैरह वो बनाते हैं। सो ये डिफरेंट क्या है, इसके एडवांटेजेस है, फायदे हैं इसके कंप्यूटर कैमरा के। नाउ लेट्स सी द डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज क्या है इसके, कैमराज कैन बी यूज फॉर इलीगल फिल्म मेकिंग। कि जो कैमरा है वो इलीगल फिल्म मेकिंग बनाने के लिए इस्तेमाल भी हो सकता है। ठीक है, गैर कानूनी जो होते हैं काम उनके करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, कि मीन्स कि विदाउट की परमिशन किसी की फिल्म वगैरह बनाना, किसी की वीडियो बनाना। ओके, ये इसका डिसएडवांटेज है। और लेस फेस टू फेस इंटरेक्शन, और जो फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है वो कम हो जाती है। जैसा कि अगर आपस में मीटअप रखते हैं तो फेस टू फेस आप इंटरेक्शन होती है आपकी। ठीक है ना, आप मिलते हैं आपस में। अगर आप यही किसी यूज करते रहेंगे कैमराज वगैरह या वीडियो कॉलिंग के थ्रू ही बस बात करते रहेंगे, तो आपकी फेस टू फेस इंटरेक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप डिफरेंट कंट्रीज में लोग रहते हैं तो उनके आप क्या करते हैं, उनसे बात करते हैं कैमराज के थ्रू। ठीक है, वीडियो कॉलिंग करते हैं तो क्या होती है, लेस फेस टू फेस इंटरेक्शन है। एक आप कह सकते हैं कि इसका एडवांटेज है कि आप उनसे मिल नहीं सकते तो फिर आप बात कर लेते हैं। अगर आप एक जगह पे रहते हुए इस यूज करेंगे तो फिर तो ये तो डिसएडवांटेज हुआ कि आप मिल नहीं सकते। ठीक है ना, तो फिर आप फेस टू फेस इंटरेक्शन क्या करते हैं, कम करते हैं। सो दीज आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज फॉर कैमरा। नेक्स्ट टॉपिक है नेम्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। हियर इज अ क्वेश्चन, राइट इन योर नोटबुक एंड लर्न। मेक अ लिस्ट ऑफ आउटपुट एंड इनपुट डिवाइसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, लाइट पेन एंड जॉयस्टिक। दीज आर द इनपुट डिवाइसेस। हियर इज द इमेज ऑफ डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस। आप यह पढ़ चुके हैं कि इनपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होते हैं जिनके थ्रू हम डाटा एंटर करते हैं। सो डिफरेंट नेम्स बताने हैं आपने इनपुट डिवाइसेस के। सो कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, लाइट पेन और जॉयस्टिक, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं। नाउ लेट्स मूव टू द आउटपुट डिवाइसेस।
output device is monitor, printer, speakers, headphone and LCD projector. These are the output devices. Monitor, printer, speaker, headphone, projector. Okay, and output devices display the output on the screen. Next topic है application based questions. Write in your notebook and learn. Application based question में first question है observe the following picture and answer the following questions that follow. Identify that device shown in the figure. कि आपको एक फिगर दी गई है और आपने बताना है कि जी ये डिवाइस कौन सी है. ये आपके पास फिगर है. So we know it is a monitor and it shows the output. Second आपके पास क्वेश्चन है what is the another name of this device. किस डिवाइस का दूसरा नाम क्या है. Visual display unit VDU is the second name of the monitor. What is the use of this device. इस डिवाइस का इस्तेमाल बताएं. It displays the output. ये आउटपुट डिस्प्ले करता है. Now let's move the second question. इशाल इज फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक. इशाल को म्यूजिक सुनने का शौक है. शी हैज कॉपीड सम सॉन्ग्स ऑन हर कंप्यूटर. कि उसने कंप्यूटर में कुछ सॉन्ग्स कॉपी किए हैं. बट शी इज नॉट एबल टू लिसन टू दो सॉन्ग्स. कि वो उन सॉन्ग्स को नहीं सुन सकती. सो आपके पास क्वेश्चन है. नीचे उनका आंसर देना है. फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच डिवाइस शुड शी अटैच टू द कंप्यूटर. कि वो कंप्यूटर के साथ कौन सी डिवाइस उनसे वो अटैच करे ताकि वो म्यूजिक सुन सके. सो द आंसर इज हेडफोन. कि वो हेडफोन अटैच करके म्यूजिक सुन सकती है. नेम द डिवाइस शी विल नीड टू रिकॉर्ड हर वॉइस इन टू द कंप्यूटर. कि ऐसी डिवाइस का नाम बताए जिसके थ्रू वो कंप्यूटर में अपनी वॉइस जो सी है वो रिकॉर्ड कर सकती है. सो द आंसर इज माइक्रोफोन. तो वो माइक्रोफोन यूज करते हुए अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकती है. क्वेश्चन नंबर थ्री है आपके पास. ईशा वांट्स टू कॉपी सम पिक्चर्स फ्रॉम अ बुक टू हर कंप्यूटर. कि जो ईशा है वो कंप्यूटर में बुक से जो सी सम पिक्चर्स हैं वो कॉपी करना चाहती है. कि उस बुक जो सी है उधर से उसने पिक्चर्स लेनी है और कॉपी करनी है कंप्यूटर में. नेम द डिवाइस शी शुड यूज फॉर दिस पर्पज. कैसी डिवाइस का नाम पता है जिसके थ्रू वो ये काम कर सकती है. सो द आंसर इज स्कैनर. कि वो स्कैनर यूज करते हुए बुक से कंप्यूटर में जो सी वो आपकी पिक्चर्स है वो कॉपी कर सकती है. दीज आर योर क्वेश्चन आंसर्स ऑफ यूनिट नंबर टू. आई होप सो यू विल इजीली अंडरस्टैंड देम. थैंक यू.